हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नियो कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट मनीष और आज हम करेंगे कुछ अनबॉक्सिंग्स, बट अलोंग विद दैट देयर इज आल्सो गोइंग टू बी अ गिव अवे बिकॉज रिसेंटली नियो कॉमिक्स हैज क्रॉस्ड द 2000 सब्सक्राइबर्स माइलस्टोन। सो आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल और उसी के चलते एक सेलिब्रेशन का मूड बना है, सो व्हाई नॉट अरेंज अ गिव अवे फॉर यू ऑल। दोस्तों, 2000 सब्सक्राइबर्स शायद सुनने में उतना इंप्रेसिव ना लगे, बट बैक व्हेन माय चैनल हैड ओनली लाइक 200 सब्सक्राइबर्स और सो, आई नेवर एवर थॉट कि ये कभी 1000 सब्सक्राइबर्स भी क्रॉस करेगा। बट देन आप सब अपना प्यार और सपोर्ट से इस चैनल को इतना आगे लेकर आए हैं और आई होप कि और भी आगे लेकर जाएंगे। एंड गाइज, अनदर अनाउंसमेंट फॉर यू ऑल, इतना टाइम से मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से जुड़े रहना। आपके प्यार भरे कमेंट्स और मैसेजेस सच में मुझे काफ़ी इंस्पायर करता है, जिसके वजह से मेरा बहुत बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी मैं आप सब के लिए वीडियोस लाता रहता हूँ। बट नाउ यू कैन कंट्रीब्यूट मोर देन जस्ट लाइकिंग, शेयरिंग और सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। यस, दोज मीन्स अ लॉट एज वेल, बट अभी आप मुझे सुपर थैंक्स भेज सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, यहाँ पर इस वीडियो के नीचे अगर आप थोड़ा राइट में स्वाइप करेंगे तो यू कैन सी अ हार्ट बटन विथ अ डॉलर साइन इन द मिडल। सो उसको प्रेस करने से यू विल हैव एन ऑप्शन टू डोनेट एनी अमाउंट यू लाइक टू दिस चैनल, एंड बी रेस्ट एश्योर्ड एनी अमाउंट दैट यू विल बी पेइंग टू दिस चैनल विल गो फॉर मेकिंग द फ्यूचर वीडियोज और अरेंजिंग मोर गिवअवेज। सो गाइज, इस बार के गिव अवे का जो भी अनाउंसमेंट है वो वीडियो के बीचों बीच में लाऊंगा, सो पूरा वीडियो को बहुत ही गौर से देखिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट विद द अनबॉक्सिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये दोनों पैकेजेस जो ऑलरेडी अनबॉक्स्ड है, ताकि ज्यादा वक्त बर्बाद ना हो, इसलिए मैं पहले से इन्हें अनरैप या अनबॉक्स करके रख देता हूं। Here we go. और इसको भी खोल देता हूं बिकॉज इसके अंदर भी जो कॉमिक्स है दोज आर रिलेवेंट टू दिस वन। सो here we go. Anyway guys, ये रहा परसों इशू 1, इशू 2, इशू 3, इशू 5, बिकॉज इशू 4 मेरे पास ऑलरेडी था, आई थिंक फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था मैं, पुराना कोई अनबॉक्सिंग वीडियो में आपको मिल जाएगा। Here is issue 4. So, एक और issue I think है इस series में, total 6 issues का series था if I'm not wrong. So, उसके बाद मेरा परसों का series complete हो जाएगा दोस्तों। So, फिलहाल recently मैं ये 4 खरीदा हूँ, ये भी Flipkart से ही order किया था and these 3 were brought from a seller I met online in Facebook. So, yeah, let's take a look inside. Here is Parshu Origins. Here is the artwork. 3D स्टाइल आर्टवर्क है, मॉडल फिगर टाइप्स, इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर, बट इट डज नॉट लुक वेरी कॉमिकल, ऐसा लग रहा है किसी गेम के स्क्रीनशॉट्स लेकर इस कॉमिक्स को बनाया गया हो। देन राइज ऑफ द वॉरियर, इसमें कंपैरेटिवली ज्यादा कॉमिकल है बट इट्स not super professional or super impressive, nothing like that, it's a very average looking artwork. उसके बाद issue 3, Retribution, एक काफी वेल थॉट आउट स्टोरी लग रहा है, बट ये सीरीज कंप्लीट करने के बाद ही मैं इसको पढ़ूंगा, फिलहाल कोई मुझे जल्दबाजी नहीं इसे पढ़ने का। डिसेंट लुकिंग आर्टवर्क, बट देन अगेन नथिंग सुपर इम्प्रेसिव और एनीथिंग लाइक दैट। फिर मेहम का तो ऑलरेडी मैं ओवरव्यू दिखा चुका हूं आप सबको। एंड उसके बाद वॉरियर्स, ओके सो फर्स्ट स्टोरी आर कंसिस्ट ऑफ दिस 3 कॉमिक्स और ये सेकेंड स्टोरी आर का हिस्सा है, सो या टोटल 2 स्टोरी आर्क्स है, तो आई थिंक इट्स सेफ टू रीड दिस 3 कॉमिक्स एंड देन जब मुझे 6th इशू मिल जाए तब बाकी का 3 पढ़ना सही रहेगा आई गेस। सो या आई थिंक आई विल बी रीडिंग दिस वेरी सून। एनीवे लेट्स फ्लिप सम मोर पेजेस।
सो ओवरऑल अगर आर्टवर्क का बात करूँ, इट स्टैंड्स एट समवेयर बिटवीन 3.5 एंड 4. आई डोंट थिंक आई विल बी गिविंग इट मोर देन 4, दैट्स फॉर श्योर. बट अभी देखते हैं इसका स्टोरी कैसा है. जैसा कि यहाँ पर कलरिंग बहुत अच्छा हुआ है, दैट आई मस्ट से. नाइस, नाउ दिस लुक्स समवट इम्प्रेसिव. काफी एक्शन पैक्ड है दोस्तों. सो यह एक और इशू एंड देन आई हैव द कंप्लीट ऑरेंज रेडियस पर शू सीरीज. सो गाइज, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गिव अवे जिसका टाइटल है मुफ्त में भूत. बिकॉज यू विल बी गेटिंग दिस टू हॉरर कॉमिक्स पब्लिश्ड बाय प्रतिलिपि कॉमिक्स फॉर फ्री फ्रॉम नियो कॉमिक्स. इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? करना पड़ेगा इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, बट उसके साथ साथ आपको करना पड़ेगा एक कमेंट. आपका जो मन है आप कमेंट कर सकते हैं, बट कमेंट के एंडिंग में आपको दो हैशटैग्स इंक्लूड करना पड़ेगा, हैशटैग नियो कॉमिक्स एंड हैशटैग प्रतिलिपि कॉमिक्स. उसके बाद आपको मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि इस गिव अवे का रिजल्ट मैं इंस्टाग्राम पर ही अनाउंस करूंगा. बट देयर विल बी अ लकी ड्रॉ, सो देयर विल बी ओनली वन विनर. And guys and girls, I am one of the cover artists of Nia Volume 1, as you can see. So if you want, I can sign this for you and also make a customized mini sketch over here or over here. But वो secondary है, बात का बाद में देखा जाएगा. फिलहाल आपको participate करना पड़ेगा इस giveaway contest में, और आपका participation तभी valid होगा जब आप सारे rules follow करेंगे. मैं rules को फिर से repeat करने वाला हूँ. आपको करना पड़ेगा इस video को like, share और channel को subscribe. उसके साथ साथ आपको करना पड़ेगा एक comment, whatever you like, be it something positive, be it you know something negative, but it should be a bit constructive criticism, not hateful. So yeah, you are open to do anything that you like. कमेंट के एंडिंग में आपको दो हैशटैग्स इंक्लूड करना पड़ेगा, हैशटैग नियो कॉमिक्स एंड हैशटैग प्रतिलिपि कॉमिक्स. और आपको करना पड़ेगा मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो. नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक मिल जाएगा. यू शुड फॉलो इट इमीडिएटली, बिकॉज इस गिव अवे का रिजल्ट बहुत जल्द अनाउंस होगा. इसका लास्ट डेट होगा 25th of May. सो 25th May को मेरा इंस्टाग्राम हैंडल पर इस गिव अवे का विनर का नाम अनाउंस किया जाएगा. सो या गाइज, मुफ्त में भूत जीतने का मौका बार बार नहीं आएगा. जल्द से जल्द इसे पार्टिसिपेट कीजिए बिफोर इट इज टू लेट. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द रेस्ट ऑफ द अनबॉक्सिंग्स. सो ये रहा बुक चोर से मेरा एक ऑर्डर, लेट्स टेक इट आउट. bookchor.com नाम का भी एक वेबसाइट है. यहाँ पर एक स्पेशल नोट लिखे हैं ये लोग. सो लेट्स सी व्हाट वी हैव गॉट फ्रॉम देम. पेंगुइन रैंडम हाउस का ग्राफिक नॉवेल कॉरिडोर बाय सारनाथ बैनर्जी. काफी वियर्ड आर्टवर्क है. ओके, सो अगर आर्टवर्क का बात किया जाए, यू शुड टोटली अवॉइड दिस. मुझे पता नहीं था कि इतना अजीबोगरीब आर्टवर्क होगा, बट आई गेस द कंटेंट इज गुड इनफ. अदरवाइज पेंगुइन रैंडम हाउस तो ऐसे किसी प्रोजेक्ट को ग्रीन लाइट नहीं करेंगे. सो यह कभी तो इसे पढ़ूंगा और तभी आपको बता पाऊंगा कि ओके, सो डेफिनेटली एडल्ट स्टफ है इसके अंदर. सो एज आई वाज सेइंग कि कभी इसको पढ़ूंगा और उसके बाद रिव्यू वीडियो या फिर कहीं ना कहीं आपको इसका रिव्यू मिल ही जाएगा. एंड देन यू कैन डिसाइड फॉर योरसेल्फ कि आपको इसे खरीदना है या इसको पास करना है. नेक्स्ट, मिथ्स ऑफ इंडिया वॉल्यूम 3, दीपक चोपड़ा, ग्राफिक इंडिया का एक ग्राफिक नॉवल, ट्रेड पेपरबैक. एंड लेट्स टेक अ लुक इनसाइड. सो फर्स्ट स्टोरी इज अबाउट हनुमान. बहुत ही बढ़िया कलरिंग किया गया है. हालांकि आर्टवर्क में थोड़ा बहुत एनाटॉमिकल इश्यूज है, बट स्टिल इट लुक्स वेरी इम्प्रेसिव. आई मीन रियली ऑसम. एंड आई एम रियली सॉरी अबाउट द बैकग्राउंड नॉइजेस गाइज. हॉस्टल बिल्कुल रास्ते के साइड में ही है, सो ट्रैफिक का आवाज आता रहता है. सो इसके बाद शायद दूसरा स्टोरी शुरू हुआ है यहाँ पर, अंधा का, with a different creative team, different artists. तो art style में change आपको दिखेगा. फिर Lord Krishna, फिर से नया team. बहुत ही खूबसूरत artwork है दोस्तों. ये double page spread को देखिए जरा. Is it Manu? It may be. I'm not sure. अगर आप में से किसी को for sure पता है तो let me know in the comment section. बट इट लुक्स वेरी सरियल. उसके बाद लक्ष्मी जी के ऊपर एक कहानी.
इसने भी आर्टवर्क काफ़ी अच्छा है। थोड़ा बहुत इश्यूज है एनाटॉमिकल, बट डिटेलिंग और बेहतरीन कलरिंग की वजह से वो सारे खामियां ढक रहे हैं। उसके बाद गॉडेस सरस्वती के ऊपर एक कहानी, इसमें भी पेंसिलिंग और इंकिंग काफ़ी एमेच्योरिश सा लग रहा है, बट कलरिंग ने मेकअप कर ही दिया। सो एनीवे, दैट वाज द ओवरव्यू ऑफ मिस ऑफ इंडिया वॉल्यूम 3। उसके बाद बाहुबली बैटल ऑफ द बोल्ड एक और ग्राफिक इंडिया का पेशकश, एक वन शॉट स्टोरी फीचरिंग द कैरेक्टर्स ऑफ बाहुबली मूवी। सो उनके लाइफ का ही एक एडवेंचर है जो मूवी में कवर नहीं किया गया था, वो इस कॉमिक बुक के अंदर कवर किया गया है। तो ये समवट एक प्रमोशनल कॉमिक बुक आप कह सकते हैं। आर्टवर्क तो मुझे डिसेंट लगा, स्टाइलिश है, एंड आई थिंक द आर्टिस्ट इज सौमिन सुरेश पटेल। लेट मी चेक, यह आर्टवर्क बाय सौमिन पटेल। सो अनदर वन ओवर हियर, द माइटी वर्ल्ड ऑफ मार्वल द गॉड्स गो टू वार, और ये एक कलेक्टर्स एडिशन इशू है। आई थिंक फ्री डिलीवरी या फिर कुछ डिस्काउंट कूपन के चक्कर में मैंने इसे उठा लिया था। बेहतरीन आर्टवर्क। ओके, सो मल्टीपल स्टोरीज है एंड आई गेस देयर आर अबाउट 3-4 वन शॉट स्टोरीज कलेक्टेड इन दिस इशू। शी हल्क भी है। शी हल्क का एक सीरीज आने वाला है दोस्तों, इसका ट्रेलर रिसेंटली लॉन्च हुआ था, मुझे तो काफी इंप्रेसिव लगा, काफी मजेदार होने वाला है, दैट्स फॉर श्योर। एंड या लेट्स टेक अ लुक एट द लास्ट पैकेज एंड हियर वी गो। सो इसके अंदर है दोस्तों फेनिल कॉमिक्स का बजरंगी डाइजेस्ट 1 और बुलसाई प्रेस का जालिम मांझा इशू 2। बजरंगी 1 में कलेक्टेड है 1411 सिम्हा और गदर, बहुत ही घटिया बाइंडिंग है दोस्तों, पेजेस खुल ही नहीं रहे बीच से, बिल्कुल टाइट होकर रखा है। लेट्स ट्राई टू स्प्रेड इट आउट। मेरे पास ऑलरेडी ये 3 इश्यूज थे, बट आई स्टिल गॉट देम फ्रॉम हरेंद्र सैनी, एंड हरेंद्र सैनी इज द कलरिस्ट ऑफ जालिम मांझा एज वेल, सो देयर इज दैट। दोस्तों बहुत बहुत घटिया बाइंडिंग है एंड दे शुड टेक अ नोट, ये बिल्कुल रीडेबल कंडीशन में नहीं है दोस्तों। अगर आपको पढ़ना ही है, यू कैन कलेक्ट दिस 3 कॉमिक्स सेपरेटली, डू नॉट गो फॉर दिस डाइजेस्ट। नेक्स्ट लेट्स टेक अ लुक एट जालिम मांझा द रेड लैंटर्न हाउस। सो मैं ये ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, एज यू कैन सी ऑलरेडी अनबॉक्स था, सो इसे निकाल कर ही फटाफट इसे पढ़ लिया था बिकॉज काफ़ी अच्छा रिव्यू सुन रहा था मैं। सो इट इज़ अ स्टोरी अबाउट लाल महल, एक ऐसा बिल्डिंग कम्प्लेक्स जिसके अंदर हर 2 नंबरी किस्म का काम होता है, चाहे वो यू नो प्रोस्टिट्यूशन हो, ड्रग अब्यूज हो या कुछ भी। सो एक ऐसा महल में होता है कुछ रिपीटेड मर्डर्स। सो ये जो एक के बाद एक मर्डर्स हो रहे हैं, इट सीम्स कि ये थोड़े अननेचुरल है, और अननेचुरल सुपर नेचुरल ये सारे समस्याओं का समाधान करने के लिए बुलाया जाता है जालिम मांझा को। बट व्हेन ही गेट्स इन्वॉल्व्ड, बहुत सारे सीक्रेट्स एक के बाद एक रिवील होते हैं, एंड उसी के बारे में है ये कहानी। कहानी मुझे इंटरेस्टिंग लगा, एक वन शॉट किस्म का स्टोरी है ये, देर इज हॉरर एलिमेंट्स, देर इज थ्रिलर, देर इज मिस्ट्री, एंड इट इज वेल बैलेंस्ड, थोड़ा बहुत कॉमिक एलिमेंट्स भी है बीच बीच में। सो पढ़कर तो आपको मजा जरूर आएगा, एंड आर्टवर्क भी अगर देखा जाए तो इट्स प्रिटी गुड, काफी डिटेल्ड आर्टवर्क है दीपजॉय सुब्बा का, बट ही नीड्स टू वर्क ऑन 2 थिंग्स। आई मीन ओवरऑल आर्टवर्क काफी इम्प्रेसिव है, कलरिंग भी बहुत ही बढ़िया हुआ है। बहुत टाइम से मैं बता रहा था कि हरेंद्र सैनी इज अ टैलेंटेड कलरिस्ट, सो इसको हायर किया जाए, एंड फाइनली बुलसाई प्रेस एंड फ्यूचर में आप शायद स्वयंभू कॉमिक्स या याली ड्रीम क्रिएशंस के साथ भी हरेंद्र को काम करते हुए देख सकेंगे। मुझे पर्सनली इस कॉमिक बुक का कलरिंग ही सबसे स्ट्रांग पॉइंट लगा, आई एम नॉट बटरिंग हिम और एनीथिंग, बट गाइस बंदे में सच में काफी टैलेंट है, और शायद फ्यूचर में मैं भी हरेंद्र के साथ और काम करने वाला हूँ। निया वॉल्यूम 1 के कवर आर्ट पर भी मैं और हरेंद्र ने एक साथ काम किया था, और शायद नियो कॉमिक्स की तरफ से भी अगर फ्यूचर में आपको कोई कॉमिक बुक पढ़ने के लिए मिलेगा, मे बी हरेंद्र विल बी अ कलरिस्ट और आर्टिस्ट इन दैट कॉमिक बुक, हु नोज। सो गाइस फिलहाल दीपजॉय सुब्बा का मेरा 2 कंप्लेंट्स ये है
कि एनाटॉमी में थोड़ा बहुत सुधार करना पड़ेगा, कुछ कुछ पैनल्स में थोड़ा बहुत एनाटॉमिकल और पर्सपेक्टिव रिलेटेड इश्यूज है, बट वो भी सेकेंडरी लगता है, उतना इम्पॉर्टेंट या फोकस पर नहीं आता है, बिकॉज इतना ज़्यादा डिटेलिंग देता है दीपजॉय सुब्बा कि ये छोटे मोटे खामियां आपको दिखेगा ही नहीं। इन माई ओपिनियन दीपजॉय इज द परफेक्ट बैलेंस बिटवीन अ क्लासिक आर्टिस्ट एंड अ मॉडर्न आर्टिस्ट, सो ही इज द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, सो इसीलिए उनका आर्टवर्क इतना इम्प्रेसिव लगता है। बट एज आई वॉज सेइंग, आई हैव अ मेजर कंप्लेंट एंड दैट इज अगेंस्ट द फेसेस दैट ही मेक्स। सो ज्यादातर चेहरे यहाँ पर आपको नेपाली जैसा लगेगा, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी रेसिस्ट और एनीथिंग, बट हाँ ज्यादातर फेसेस आपको एशियन, चाइनीज, जैपनीज, नॉर्थ ईस्टर्न, वही छोटे छोटे आंखें वैसा लगेगा। मैं फिर से एम्फोसाइज करना चाहूंगा दोस्तों कि इस बात का मुद्दा प्लीज मत बनाइएगा, इट्स जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन कि चेहरे में थोड़ा बहुत और यू नो वराइटीज जरूरी है। हर एक के आंखें ऐसे छोटे छोटे कर देना शायद ठीक नहीं था, बट आई थिंक दैट इज हाउ ही इज यूज्ड टू ड्राइंग, सो आई बिलीव ही शुड ट्राई आउट डिफरेंट फेशियल कंपोजिशंस। जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जाली मांझा हिमसेल्फ लुक्स लाइक अ नेपाली जेसन ममोआ, एंड यहाँ पर एक दूसरा कैरेक्टर भी है, आई थिंक शी इज समवट चाइनीज और जापानीज, उसका नाम मैडम लाउ या वैसा कुछ था, सो उस हिसाब से ठीक है, बट रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर जो है इनके पीछे उनके भी वैसे छोटे छोटे आंखें हैं, सो फेस में वैरायटी जरूरी है दोस्तों, दैट्स माय ओपिनियन। ओवरऑल आर्टवर्क बहुत ही बढ़िया बना है, स्टोरी भी इम्प्रेसिव है, सुदीप मेनन हैज नेल्ड इट अगेन, सो स्टोरी और आर्टवर्क दोनों में ही इसको मिलता है 4.2 आउट ऑफ 5, सो इट गेट्स अ टोटल ऑफ 8.4 आउट ऑफ 10, व्हिच मेक्स इट अ प्रीटी गुड रेड। सो गाइज ये था जाली मांझा इशू 2 द रेड लैंटर्न हाउस का रेटिंग, और ये था आज का अनबॉक्सिंग एंड ओवरव्यू गाइज। और हाँ एक चीज तो मैं आपको दिखाना भूल ही गया था कि बुक चोर के साथ मुझे मिला है एक फ्री पोस्टर, काफी बड़ा साइज का है ये पोस्टर, तो चलिए फिर भी आपको मैं दिखाता हूँ जितना पॉसिबल हो सकता है इस छोटे से फोन के स्क्रीन में। Here we go. So, यहाँ पर बैटमैन कैन बी सीन राइडिंग एन ऑर्का, यहाँ पर ग्रीन लैंटर्न है राइडिंग अ स्वॉर्ड फिश दैट ही हैज मेड आउट ऑफ हिज रिंग, यहाँ पर सुपरमैन है ही इज रीडिंग वॉचमैन, यहाँ पर साइबॉग है आई थिंक ही इज राइडिंग एन एंगलर फिश, यहाँ पर फ्लैश है ही इज राइडिंग अ हैमर हेड, एंड यहाँ पर एक डॉल्फिन पर राइड करती हुई वंडर वुमन। तो काफी बढ़िया एक पोस्टर मिला है और बहुत ही बड़ा साइज है इसका, इसीलिए तो मैं आपको दिखा भी नहीं पा रहा हूँ ठीक से, तो चलिए आई गेस यू हैव द आइडिया। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ आज का ये अनबॉक्सिंग और ओवरव्यू वीडियो आपको काफी पसंद आया है, गिव अवे में जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा अगर आपको मुफ्त में भूत जीतना है तो, एंड या दैट्स इट गाइस, मिलता हूँ मैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।